कोरोना संकट काल में जनसेवा के क्षेत्र में अनेकों जनहितेशी कार्यों के साथ अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कटनी के अस्पताल को एम्बुलेंस की सौगात अपनी सांसद निधि से दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने सांसद को अनुरोध पत्र दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए सांसद ने अस्पताल को एम्बुलेंस सौंपी। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए एक महीने पहले ही राज्यसभा सांसद को पत्र सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने तत्काल राशि जारी कर दी थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद श्री विवेक तन्खा जी ने कटनी जिला अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस स्वीकृत करी है। लगभग एक माह पूर्व मैंने जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस की मांग आदरणीय विवेक तन्खा जी से पत्र के माध्यम से करी थी। सीएमएचओ महोदय से हमने संपर्क किया था और यह जाना था कि कटनी में किस प्रकार की सुविधाओं की कमी है, चूँकि हमें आने वाली तीसरी लहर, जो संभावित तीसरी लहर है, उससे लड़ने में किस चीज़ से मदद मिल सकती है। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से हमको अवगत कराया कि हमें एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है जिला अस्पताल में। मेरे आग्रह पर आदरणीय विवेक तन्खा जी ने कटनी जिला अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस स्वीकृत करी है। लगभग एक माह की प्रक्रिया के बाद आज यह एम्बुलेंस जिला अस्पताल को